हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आयकर विभाग के द्वारा डाले गए छापे के समय आपके अधिकार और आपके कर्तव्य क्या हैं। आयकर विभाग के छापे की खबर सुनते ही हवाला कारोबारियों, दुकानदारों, बेईमान नेताओं, घूसखोर अफसरों और दूसरे तरीके से काला धन कमाने वालों की हालत ख़राब हो जाती है। आयकर विभाग के छापे अक्सर उन्हीं लोगों के यहाँ पड़ते हैं जिनके पास उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वित्त मंत्रालय द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किन लोगों ने अपनी आय के हिसाब से आयकर दाखिल नहीं किया है। इसकी जांच का काम वित्त मंत्रालय का जांच विभाग करता है। इसके बाद अगर जांच में कुछ गड़बड़ मिलती है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति के ऑफिस, घर, दुकान, शोरूम इत्यादि पर छापा डालते हैं। इसे ही इनकम टैक्स का छापा या फिर रेड कहा जाता है। अगर आयकर विभाग को किसी भेदिए के द्वारा ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी मात्रा में आयकर रिटर्न में गड़बड़ी की है या फिर बैंक के लॉकर में, व्यापार में, नकदी में, रियल एस्टेट में, सोने में या फिर किसी दूसरी कीमती वस्तुओं में, ऑफिस इत्यादि में अवैध तरीके से कमाया गया पैसा लगाया है तो आयकर विभाग उस आरोपी के घर, ऑफिस, रिश्तेदार, दोस्त, बिजनेस पार्टनर आदि के घर में छापा मार देते हैं। यहाँ पर हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भेदिया कौन होता है। कोई प्रोफेशनल एजेंसी, प्रोफेशनल भेदिया जो कि ऑफिस के लोगों से गुप्त तरीके से सूचनाएं इकट्ठा करता है और आयकर आयुक्त को सूचना देकर इसका इनाम लेकर गायब हो जाता है। आयकर विभाग गुप्त सूचना देने वालों की पहचान भी गुप्त ही रखता है। चलिए बात करते हैं कि किन मामलों में आयकर विभाग छापा डालता है। अगर 1 करोड़ से अधिक की गैर कानूनी धनराशि या बेहिसाब संपत्ति रखने पर कर धारक द्वारा कर अदा ना करने पर विश्वसनीय सबूतों के आधार पर आयकर विभाग छापा डालता है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आतंकवाद, तस्करी, नशीले पदार्थ, धोखाधड़ी और बहुत से गैर कानूनी कामों के माध्यम से जमा की गई बेहिसाब प्रॉपर्टी पर आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कई बार लोग कर बचाने के लिए खातों, बिल, चालान, वाउचर, रिकॉर्ड और दस्तावेजों में हेर फेर करते हैं तो इस तरह की चालाकी भी आयकर विभाग की नज़र में आ जाती है। कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी ने अपने बेटे या बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं या कोई बहुत महंगी कार या मकान आदि खरीद के अखबारों में आई खबरों के आधार पर भी आयकर विभाग उस व्यक्ति के यहाँ पर छापा डाल देता है। चलिए बात करते हैं छापा कब और कैसे डाला जाता है। आयकर विभाग के छापे मुख्य रूप से सुबह के समय डाले जाते हैं। छापा डालने वाली टीम अपने साथ एक वारंट लेकर भी जाती है। छापा डालते समय टीम अपने साथ पुलिस भी ले जाती है जो कि पूरे ऑफिस या घर को चारों तरफ से घेर लेती है। छापा आरोपी के दोस्तों, रिश्तेदारों और उसके परिचितों के यहाँ डाले जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 दिन तक चलता है। छापे की प्रक्रिया के दौरान आयकर टीम कंपनी के दस्तावेज, स्टॉक, नकदी रकम, आभूषण, बैंक अकाउंट की जांच इत्यादि करता है। कभी कभी निगरानी टीम उस कंपनी में मौजूद लोगों या फिर कर्मचारियों से क्वेश्चन भी करती है और इस दौरान किसी को भी फोन करने नहीं देती। चलिए बात करते हैं कि आयकर विभाग द्वारा किन चीज़ों को जब्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग छापे के दौरान किसी भी चीज़ को जब्त कर लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयकर अधिकारी हाथ में नहीं लगा सकते। आयकर अधिकारी बिक्री के लिए रखे गए माल को जब्त नहीं कर सकता, बल्कि वे केवल इसको अपने दस्तावेजों में नोट जरूर कर सकते हैं। साथ ही स्टॉक में रखे माल की भी सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। आयकर अधिकारी किसी ऐसी नकदी को जब्त नहीं कर सकते जिसका पूरा लेखा जोखा उस कंपनी या उस आदमी के पास होगा। आभूषण जो कि स्टॉक के रूप में रखे गए हैं और संपत्ति कर रिटर्न में जोड़ा गया है तो उसे भी जब्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई करदाता संपत्ति कर जमा नहीं कर रहा है तो हर विवाहित स्त्री 500 ग्राम सोना रख सकती है, हर अविवाहित स्त्री 250 ग्राम सोना रख सकती है और हर आदमी 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकता है। अगर इस सीमा के भीतर सोना आयकर विभाग को छापे के दौरान प्राप्त होता है तो वो उसे भी जब्त कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि आयकर छापे के दौरान व्यक्तियों या फिर कंपनियों के कौन कौन से अधिकार हैं। आयकर अधिकारी के पास मौजूद वारंट और उनके पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार दिया गया है।
यदि आयकर टीम महिलाओं की तलाशी भी लेना चाहे तो ऐसा सिर्फ महिला आयकर कर्मी ही कर सकती है, और वो भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। व्यक्तियों कंपनियों को गवाहों के तौर पर मोहल्ले के दो सम्मानित लोगों को बुलाने का अधिकार होता है। आपातकाल की दशा में डॉक्टर को बुलाने का अधिकार है, और बच्चों का स्कूल बैग चेक कराकर उनको स्कूल भेजने का भी अधिकार प्राप्त है। लोगों को अपने नियत समय पर खाना खाने का अधिकार है। जिस दिन खाते की किताबों को जब्त किया गया था उससे 180 दिन के भीतर किताबें वापस पाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की एक कॉपी मांगने का अधिकार है, क्योंकि वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। पंचनामा की एक कॉपी मांगने का अधिकार होता है। ये तो थे आपके अधिकार। अब बात करते हैं आपके कर्तव्यों के बारे में। सभी लोगों का ये कर्तव्य होता है कि छापा पड़ते वक्त घर या ऑफिस में बिना किसी बाधा के विरोध से आयकर अधिकारियों को घुसने देने का कर्तव्य होता है। छापा परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑफिस या घर में मौजूद सभी लोगों से अपने रिश्तों के बारे में बताना आवश्यक होता है। प्रॉपर्टी के स्वामित्व और लेखा जोखा यानी कि लेजर्स के बारे में अधिकारियों के सवालों का सही जवाब देना चाहिए। जिन किताबों में संपत्तियों का विवरण लिखा है उनको अधिकारियों को सौंप देना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो तिजोरियों की चाबी इत्यादि भी सौंप देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झूठी स्टेटमेंट देता है तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के तहत कारावास और दंड दोनों के लिए दंडनीय पाया जाएगा। व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो छापे के समय पूरी शांति बनाए रखे और जांच अधिकारियों के साथ सभी मामलों में सहयोग करे, ताकि पूरी जांच जल्दी से जल्दी शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त की जा सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि आयकर अधिकारी किस तरह से छापा डालते हैं और आपके कर्तव्यों के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।